गैस, यदि आप बिहार एसआई का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं या फिर एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर आपका एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में है तो आप लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है गैस। पेपर लीक हो चुका है। क्या कारण है, किस वजह से पेपर लीक हुआ है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आप लोग। सुगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो आज आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम होना था उसका जो पेपर है वो लीक हो चुका है। सभी के आंसर आप लोग देख सकते हैं, ये आंसर लिखे हुए हैं। और ये जो पेपर आपका है सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो आप लोग अपनी राय जरूर रखें, क्या इस पेपर को पूर्ण रूप से स्थगित होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं ये पेपर के आंसर हैं, पेपर हुआ नहीं और आंसर अभी से आ गए। सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से जो ये आंसर लिखे हुए हैं आप लोग देख सकते हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। पेपर पूर्ण रूप से जो है आपका लीक हो चुका है। बिहार का कोई भी एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम हुआ नहीं और पेपर पहले से ही वायरल हो चुका है, लीक हो चुका है और सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से ये पेपर वायरल हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं नीतीश की कैसी सरकार है, कोई भी एग्ज़ाम सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है, सभी पेपर वायरल हो रहे हैं। लोग 15-15 लाख रुपए दे रहे हैं इस बिहार एसआई को की नौकरी पाने के लिए, और पेपर भी वायरल हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर जो पेपर आपका है बहुत तेज़ी से ये वायरल हो रहा है। ये आंसर दिए हुए हैं आप लोग देख सकते हैं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपने यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे इस टाइप के, सोचा मैं भी बना दूँ इसके लिए और आपको जानकारी दे दूँ कि पेपर जो है आपका वो वायरल हो चुका है, वो लीक हो चुका है। तो आप अपनी कॉमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें, क्या इस पेपर को पूर्ण रूप से स्थगित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।